Hello guys, my name is Viren Singh. Welcome to my channel Smart Learning Academy. In this video tutorial, I am going to discuss about the solution of questions asked related to the enzymes in previous year papers like CSIR examination 2014 and 2012 paper. ठीक है, तो हम 2014 और 2012 में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं एंजाइम्स के रिगार्डिंग, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं. इसलिए यू कैन फॉलो मी ऑन एन अकेडमी. अगर आपने मेरा एंजाइम्स का वीडियो नहीं देखा है ऑन अकेडमी पे, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है. इसलिए प्लीज़ पहले आप उन वीडियोज़ को देखें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें. ठीक है, यू कैन ज्वाइन माई फेसबुक ग्रुप, दैट इज़ स्मार्ट लर्निंग अकेडमी. ठीक है, आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा और आप ज्वाइन करिए और अपने क्वेरीज को पोस्ट करिए. हम वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल. ठीक है, सो लेट्स सी दोज क्वेश्चंस. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चंस आस्क्ड इन द CSIR दिसंबर एग्जामिनेशन CSIR 2014 पार्ट सी. ठीक है, क्वेश्चंस में क्या पूछा था कि एंजाइम पैरामीटर ऑफ फोर आइसोजाइम्स आर गिवन. एंजाइम पैरामीटर ऑफ फोर आइसोजाइम्स आर गिवन ए बी सी डी एंड के एम एंड वी मैक्स इज गिवन. देन दे उन्होंने क्या पूछा है कि दीज आइसोजाइम्स आर लोकलाइज्ड इन डिफरेंट टिश्यूज. इन लीवर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज 0.2 मोलर, तो लीवर आइसोजाइम इज लाइकली टू बी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. एक तरीका है ट्रेडिशनल, जिसको मैं बताऊंगा, और एक है शॉर्टकट या कह सकते हो स्मार्ट तरीका. स्मार्ट तरीका क्या है कि आप देखिए, जनरल जो होता है कि के एम कैन नॉट बी ग्रेटर देन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. के एम इज ऑलवेज लेस देन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, यहाँ पे देखिए, के एम इज ऑलवेज लेस देन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि के एम हमेशा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं आपके, ए एंड डी. ठीक है, और एक और कंक्लूजन कि के एम इज नॉट वेरी वेरी लेस देन एस. के एम बहुत ही कम नहीं होगा एस से. ठीक है, वो उसके हाफ हो सकता है, 1/4 हो सकता है, कुछ ऐसे रिलेटेड होगा. ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो ए सही होगा, क्योंकि ये एस जो एस से ज़्यादा है, एस क्या है 0.2 माइक्रोमोलर है, और 1.5 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा कम है. जो उसके हाफ के नियरली है वो क्या है, ए है. तो ए इज़ द आंसर. ठीक है, ये है स्मार्ट तरीका. अब हम ट्रेडिशनल तरीका भी देख लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द ट्रेडिशनल वे टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्या है कि आप कैलकुलेट करिए, मैंने बताया कि आप क्या है कि जो के एम है वो कैन नॉट बी ग्रेटर देन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अब उसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं. के एम क्या होता है ये तो पता होना चाहिए. अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए हम के एम बता दें. के एम इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच वेलोसिटी इज द हाफ ऑफ वी मैक्स. ठीक है, एम एम इक्वेशन आपको पता है, माइकलिस मेंसन, वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस. वी को वी मैक्स बाई टू रखेंगे तो एस इक्वल टू के एम आ जाएगा. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ. ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर होगा. तो आपको क्या करना है, ये पहला ऑप्शन है. पहला ऑप्शन में क्या था, 15 वैल्यू थी वी मैक्स की, एस की वैल्यू 0.2 गिवन है, के की वैल्यू 0.1 है. यहाँ पे देखेंगे आपको वी को जो वैल्यू आ रही है वो 10 के आसपास आ रही है. ठीक है, अगर आप सेकेंड और थर्ड ऑप्शन को भी देखेंगे तो आपको ऐसे ही आंसर मिले, मतलब ऐसे ही अलग आंसर मिलेंगे. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखिए, जब 0.01 रख रहे हैं हम के एम, 0.01 रख रहे हैं, उस केस में क्या था, वी मैक्स की वैल्यू 10 थी, कैलकुलेट करेंगे तो वी मैक्स 9.9 है. यहाँ पे देख रहे हो नियर अबाउट सेम है, 10 और 9.9 इज सेम. ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि आपको जो के एम की वैल्यू है हमेशा एस से कम होने वाली हो, तो यहाँ पे के एम जो है वो 0.01 नहीं होगा, वो क्या होगा, 0.1 होगा. ठीक है, तो आप या तो ट्रेडिशनल वे से सॉल्व कर सकते हो, आप वैल्यू में पुट करिए, आप जो फॉर्मूला है माइकलिस मेंसन वहाँ पे वैल्यूज पुट करिए एंड आप देखिए कि वी जो है वी एम के हाफ के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे एनालिसिस कर सकते हो, सिंपल आप टेबल में देखिए कि आपको जो के एम की वैल्यू है, ठीक है, वो किस सेंस में एस के आसपास, जो हाफ के एस बाई टू के आसपास कहाँ पे आ रहा है. ठीक है, तो वो ऑप्शन सही होगा जो कि ऑप्शन ए में है. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन. क्या होगा आंसर इसका, ए होगा. ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस. सो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया CSIR 2012 में. 2014 में दिसंबर में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, जून के 2014 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसलिए 2012 का क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या था, दो तरीके के क्वेश्चन थे. पार्ट सी दिसंबर का क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन. कन्वर्टेड
टू ई, ए इज कन्वर्टेड टू ई बाय द एंजाइम्स ई ए, ई बी, ई सी, ई डी एंड द के एम वैल्यूज ऑफ द एंजाइम्स आर 10^-2, 10^-4, 10^-5 एंड 10^-4 रिस्पेक्टिवली. इफ ऑल द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट कॉन्सेंट्रेशन एट 10^-4 माइक्रोमोलर then and enzymes have approximately same Vmax, then rate limiting step will be. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि एक स्टेप, एक प्रोडक्ट ए है जो कि ई में कन्वर्ट हो रहा है कुछ एंजाइम्स के थ्रू, ई ए, ई बी, ई सी एंड ई डी, चार एंजाइम्स है, उनके के एम वैल्यूज दिए हुए हैं और उनका जो सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है 10^-4 है. ठीक है, और जो आपका वी मैक्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वी मैक्स दिया हुआ है जो कि सेम है सबके लिए. तो आपको क्या करना है कि जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि एंजाइम अफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द के एम, जो एंजाइम की अफिनिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द के एम होती है, मतलब के एम जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी अफिनिटी उतनी ही कम होगी. तो इस इक्वेशन में देखिए कि के एम सबसे ज़्यादा किसका है, एंजाइम ए का, एंजाइम ए का जो के एम है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज 10^-2. ये माइनस के फॉर्म में है तो इसलिए वो जो होगा वो वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा वैल्यू होगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब इसका 10^-2 के एम सबसे ज़्यादा तो इसकी जो अफिनिटी होगी सबसे कम होगी, तो जो रेट लिमिटिंग स्टेप होगा वो कौन सा होगा, ई ए, दैट इज ऑप्शन सी. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा गया था CSIR जून 2012 में पार्ट सी में. ठीक है, 72 क्वेश्चन कि अ प्लॉट V वर्सेज S वर्सेज V. याद है अगर मैं आपको बता रहा था कि कैलकुलेशन ऑफ के एम एंड वी मैक्स वीडियो में इस प्लॉट को क्या बोलते हैं, ई डी हॉप्सी प्लॉट. ठीक है, इस प्लॉट को बोलते हैं ई डी हॉप्सी प्लॉट. फॉर एनी एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन स्ट्रेट लाइन इज ऑप्टेंड. ठीक है, पता ही है, इंडिकेट द इन्फॉर्मेशन दैट कैन ऑप्टेंड द प्लॉट. अगर आपको याद नहीं है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए. ठीक है, जिसमें क्या था कि हमने ई डी हॉप्सी प्लॉट को मेंशन किया था, वो क्या था, नेगेटिव स्लोप के साथ था, जिससे आपको क्या निकल सकता था. ठीक है, प्लॉट से वी मैक्स पता चलेगा आपको, क्या के एम बाई वी मैक्स पता चलता था, नहीं, वहाँ का जो इंटरसेप्ट था वी मैक्स बाई के एम था. ठीक है, फ्रॉम द स्लोप, ये गलत है, स्लोप से नहीं पता चल रहा था के एम बाई वी मैक्स. वी मैक्स इज एन टर्न ओवर नंबर, के एम कैन बी ऑप्टेंड, के एम क्या टर्न ओवर नंबर है, नहीं. ठीक है, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है ओनली के एम एंड टर्न ओवर नंबर, ये भी गलत है. ठीक है, तो जो ऑप्शन सही है वो क्या है, वी मैक्स भी पता चलेगा, के एम भी पता चलेगा, और जब वी मैक्स आपको पता है तो आप टर्न ओवर नंबर कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर. थैंक यू वेरी मच. अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा. ठीक है, और आप अगर कोई भी क्वेरीज आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच.